बर छोटकी गौली हसो आई तिलक के गीत हो। बर बर बटुला मंगली दिल्ली के कारखाना से आगुआ साला पंचर भइल महंगी के अब बुढ़िया पाल्टी कढ़ोल बता नहीं कड़े रे गैया लोग बिहला इनके बेले का पत्ता चढ़ी इनके अगली है तकानी कौन मेहरारू कहत के बाबा हमारा गाँवा बेले के पतई धतूर सजी देवतन के चढ़ेला हमारे दादा इतना नीमन नहीं होता बाउर होता बउरहू के अलावा केहू के चढ़ैया न बउरा जाए परी हो दादा बेले के पतई सजी देवता के चढ़ी कहो धतूर हनुमान जी के चढ़ी कहो संतोषियो माई के सेनुरु पुत बोलोगा बेमतलब का पूजा ना हो। शिवरात्रि के पर्व की कथा भी हम बताएंगे बीच में, बड़ी भाव से सुनिए। शंकर जी के धतूर गन्ना के गेड़ी बोईर फल में कौनो फल हमारे भोलेनाथ को मना नहीं है चढ़ाओ, लेकिन शंकर जी को सेंदूर कभी मत लगा देना। लगेगा लगेगा शंकर जी के हनुमान जी के हनुमान जी को लगेगा। पूजा करने का भी तरीका जान लो आप, अगर गड़बड़ पूजा होगा तो परिवार में गड़बड़ होगा। पूजा पहले जानने का प्रयास करो कि बाबा क्या बोलने जा रहे हैं। अइतल छोटकी गौली अपन बुढ़िया पाल्टी कढ़ा दे शंकर जी का तिलक चढ़ जाता कि आज मोरी शिव जी के तिलक आयो। सुत तन जका हरे भाई अरे दादा अरे बाप हो बाप हे तर गवाई तब तक खूब तिलक बिया होई। हाँ तन कड़ेरे गावल गंगा में ओजवा जागी। हाँ पूरा पंडाल महिला सब भरल बा हे तर गवाई कि आज मोरी शिव जी के तिलक आयो। जितना पर गावत नहीं जानो इतना पर हमारे यहाँ संझा पराती गावाला लोगन धरा जाई संझिया के दुगो बूढ़ियों सर्वा में बढ़ जाई है आ शुरू कर दिया कुल आहो आहो संझा गो साईत के ही तुहे नहीं गावाला ऐसे विपत पर जला भिंसा आ रहा कोनो झोटवे खोल कर बैठल बा कोनो सलवे घिरिया जाता शुरू कर दिया सो हे भोरा भईला भीनु ए चाची तो ही कढ़ाओ हमरा घूमटा होता हे भोरा भ ए मौसी तन चादरवा ले लेबे हे भोरा जातन तन मुहवा धोले आई हे भोर एक के गीतिया चौपट क के धो देली सोई होशियार की है तर गई है हे भोरा भ इला भीनो सहारा ची इरैया एका बोले ले हे जाई जा गई हा शंकरा बाबा शुभ घरे मंगल हे जा ईजा गई हा देविया मैया शुभ घरे ओई में एकला नौरी गाल सो हे बाढ़े को अवानी देई के नई हर को अवानी देई के नहीं बुझाई नहीं बुझाता। सोरे वर्ष में क्यों गौले भाई गौले बाके हो बाके विद्वान गाई वीरेंद्र बाबा धरती से उठने वाले विद्वान है। इस पृथ्वी का क्या नहीं मैं गाता हूं तनी खड़े रे बोले जाई बुझा जा हाँ तिलक चढ़ाता कि आज मोरी शिव जी के तिलक आयो।
तनी एक चोरी और कौशल हो पछवा तब जाता झूला ताल तर होता किया जुमोरी शिव जी के तिलक आयो अंगना में बाजेला बधाई रे माई कुछ बरनी न जाई अंगा असल में गीतिया का गावे लोग भाई कुल गीत ना ही चलता हमारे यहाँ तो फिल्मी गाना गावा ताड़ी सो भाई गाना ना है तिलकहरू को मेरा नमस्कार है आंगन में तेरा इंतजार है तिलकहरू को मेरा नमस्कार है आंगन में तेरा इंतजार है चढ़ाएंगे आंगन में कब तक हो आएंगे देरी होगा तिलक कब चढ़ाएंगे दूल्हे से उनका बड़ा प्यार है दूल्हे से उनका बड़ा प्यार है आंगन में तेरा इंतजार है बोल दी शंकर भगवान की जय मनोरंजन के लिए रुरा पाच के दो लाइन दी आइल हम अब तनी हमरा और ध्यान दे विद्वान लोग केसन दामाद बनल जेकर मौर कबो उतरल ना मौर मौर के करी कपारे पर के कबो उतरल ना राम जी के मौर उतर गल कि ना उतर गइल कन्हैया जी के मौर उतरल कि ना उतर गइल विष्णु भगवान के मौर उतरल कि ना उतर गई लेकिन ईमानदारी से बोलना हमारे भोलेनाथ का मौर कभी उतरा है तुलसी बाबा लिख ले शिव ही शंभु गन कर ही शिकारा शिव ही चौपाई को पहले विधिवत आप समझ ले ऐसा ना फील हो कि वीरेंद्र बाबा कहां से कहां बोल गए शिव ही शंभुगण करही सिंगारा शंकर जी के गण लोग सिंगार कर रहे हैं शिव ही शंभुगण करही सिंगारा आ जटा मुकुट अही माने सांप शंकर जी के जटा रहबे कइल आ यही माने सांप ई दोनों लपेट का मौर बनल ए बौरहू का मौर सांप या जटा शिव ही शंभुगण करही सिंगारा आ जटा मुकुट यही मोर सवारा तुलसी बाबा फिर लिख रहे हैं कर त्रिशूल यारू डमरू बिराजा कर त्रिशूल यारू डमरू बिराजा कर त्रिशूल सह चढ़ी बाजे बड़ा बारीकी की कथा है तनि समझिएगा कर त्रिशूल अरुडमरु बिराजा साउंड ऑपरेटर
तनी ले कहकर आवाज और बढ़ा ले, सीटी मत ले। कर त्रिशूल यरु डमरू बिराजा, अचल ही बसह चढ़ी बाजा ही बाजा। कौने सवारी पर दुल्हा बनली? मारुति में। कौन सवारी है? बसहा बैल। तनी हेने देखे बाबा लिखा तनी की कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, हाथ में त्रिशूल डमरू। अब बसहा बैल पर चढ़ल है, बाघंबर लपेट के बैल चलता है आगे पड़े, और दूल्हा बैठा तने पीछे पड़े। शंकर जी के पूरे परिवार में जानवर सवारी हैं, आ कि बोलोरो मारुति या है सब गाड़िया जानवर पूरे परिवार। शंकर जी के सवारी कहा है? बसहा बैल। आ शंकर जी की औरत के नाम दुर्गा हो, दुर्गा जी की सवारी नहीं बोलेंगे, दुर्गा जी के सवारी शेर, आ शंकर जी के सवारी बोयल। अच्छा तो बोयल या शेर एक के लग रहे तो एक्सीडेंट होई कि ना? नहीं मर्डर होई ना? होई नहीं होई कहो, इतना खतरा हूं सवारी ना होई। बाघे के सामने बोयल आ जाए तो जी की मोरी। बड़ा बारीकी से सुनना, शंकर जी के सवारी बसहा बैल और दुर्गा जी की सवारी बाघ, कभी आपस में विवाद नहीं हुआ है। शंकर जी के एगो बेटा बने जेकर नाम गणेश हो, गणेश जी के सवारी मूस चूहा, और शंकर जी के गटई में सांप। सांप या मूस एक लग रहे तो खतरा बा कि ना? नहीं बा, नहीं बा हो। तुरंत शंकर जी के गौरी बेटा बने जेकर नाम कार्तिके हो, कार्तिके की सवारी, कार्तिके की सवारी मोर, और शंकर जी के गले में सांप। सांप या मोर एक लग रहे तो एक्सीडेंट हो कि ना हो? लेकिन धनी है भोलेनाथ, बाबा लिखे हैं कि जहां सुमति तहां संपत नाना, और जहां कुमति तहां विपत। चटनी रोटी बनल बा, आ देवरान जेठान खैली जा सास ससुर, सुतल बन जा आराम से, ऊनिक बा आ कि पूरी पुलाव मशरूम पनीर बनल बा, पापड़ छनाइल बा, आ सांझी के लट्टा कूटन हो गए। कवर निमन बा, खैराट के लोग का पसंद करेला? पूड़िया फोलौगा न? अरे गजब लोग बा हो दादा। वीरेंद्र बाबा ही कहेला चटनी रोटी खा ल, लेकिन परिवार में शांति होना चाहिए। अगर परिवार में शांति है तो सब अच्छा है, और शांति नहीं तो सब बेकार है। कर त्रिशूल यरु डमरू बिराजा, अचल ही बसह चढ़ी बाजा ही बाजा। ब्रह्मा जी कहली कि हे भोलेनाथ पहले सवारी बदल दी। शंकर जी कहले काहे बदल दी, काहे बदल दी? रोज घास भूसाई खैलो सा रसगुल्ला मिली अब बर्फी मिली तो काहे बदल दी? ब्रह्मा जी कहले है कि रसगुल्ला बर्फी खिया बुढ़वा के ले जाता नहीं, अब वो चलता है आगे पड़े बैठा पीछे पड़े। शंकर जी कहले सजीव बर्तिहन के देख चलो चलो। ब्रह्मा जी कहले ना मानव, कहले ना मानव ना चली। लेकिन एगो बड़ा मार्मिक चौपाय लिखल बा तुलसी बाबा लिखल है कि जस दुल्ला तस बनी बराता, पढ़े लिखे लोग हमारे बाबू भैया लोग बैठे हैं और हमारी बेटियां बहन गौर करना, बाबा एक चौपाई दिए हैं कि जस दुल्लह तस बनी बराता। खैराड़ से केहू घर के बियाह होला तो के का कहल जाला? बराती की बराता ना बोलो? ए बाबा हमारे यहां सब बराती आज लोग गोइल बाड़े, अगी बराता कहला?
हमरा राम जी के बियाह के बाराती कहल गई, कन्हैया जी के बियाह के बाराती कहल गई, विष्णु भगवान के बियाह के बाराती, और शंकर जी का कौन लीला बाकी बाराता कहा था। इनका बाराती में केहू निमन होके ओकर नाव धरी तो ब्रह्मा जी के कोगो मुड़ी बा चार गो, विष्णु भगवान के कोगो हाथ बा चार गो, बाबा लिखले बने की जस दुल्लह तस बनी बराता, आ कौतुक शब्द आया है कौतुक। कौतुक का मतलब कोनो का हथवे ना, कोनो को गोड़वे ना, कोनो का पीठी पर कुबर बा, कोनो का पेटे पर आंख बा, कोनो दहिया रगड़ जाता, कोई मुखहीन विपुल को काहू, कोनो को हेपर से गटैया ना, आ कोनो को दोस मुह बा। ब्रह्मा जी कलिए बियाह में फौजियत तो हो ये जल जाई, बाप बापाई बारात चलता। शंकर जी के बारात गए ससुरारी में तंटा को, आ ज्यो ससुरारी में गईले बारात पहले आवेला तो पहले के दौड़ के जाला, खैराट में बारात आई तो पहले के जाई सियान की लड़का, पूरा गांव का भुरभुटोवा दौड़ल सो, 500 लड़का बारात आ गए, बारात बारात सजी लड़का दौड़ल गए सो, आ जितना तेज गईले ओकरा तीन गुना होने से भागल बड़ा, कोनो गलत अपना माइस कलश फाटक बंद कर देवे, जंगला बंद कर रहे था था, कोनो कहता रजाई उड़ाऊ हमारे मुंह पर, कोनो तक कहता माई हमारा आंख बांध दे, मतरिया कली दादा ई सजी लई के पगला गेले सो का देखला सोरे, तो एगो कलश की बाप रे बाप सबके घरे दूल्हा आवेले हाथी पर घोड़ा पर पालकी में, ए ऊ आवता दूल्हा जौन बाप बैले पर बैठल बा, बॉल चलता है आगे पड़े बैठल बा पीछे पड़े, सबके घरे दूल्हा सूट बुट पहिर के आवेले, और दूल्हा वही तरह उघारे बा एगो पंघमर लपेटले बा, एगो कमाई पुछली ते का देखले ह, आ त लोग को तरह भूतावा पेड़ बा 50 गो भूत वही तरह दौड़त रहे सो, ओकर माई पुछलस ते काहे डेरा तड़े, आ त एगो गोहुवन सांप से डर लागेला कई हजार फोई फोई कर तरह सोई तरह। बस शंकर जी के बियाह में के जाई धनी है ये बउरहु, हमरा भोलेनाथ की लिखा बाके सत्यम शिवम सुंदरम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयार बिंदे अभवम भवानी सहितम नमामि। लड़का तो भाग कर लुका गए, अब गांव के मर्द लोग चलल बा जवान जवान तकी हो, नौका हीरो लोग चलल बा कि चलल जा बारात ले आवल जा तो और पूजा हो जा, तो चलल बलो तो शंकर जी के बियाहवा में सबसे अगवा एगो जाता जौन के हेपर से घटइए ना रहल, हेपर से घटई ना रहल, आ खाली छतिया पर से हेन है बा, 50 जन छरकत चलता लोग बुढ़वा पीछे बैठे सो, चल दुआर पूजा हो जा, चल दुआर पूजा हो जा, तब ले उहे पूछता बारात ठहरने का स्थान कहाँ है, जने कहला रे कौन बोलल रे रे कौन बोल, ते को कॉलेज बुझाता होई नहीं बोलल घटैया ना बतौन, तो कहले ना नहीं नहीं बोलल पछवा कौन बोलल, एगो पुरनिया रहले बाबा कहले तनी घबड़ा सुमत अबे पते चल जाता कौन बोलता, और ई अगवा बोल हर, आ जब सजी जने आगे लोग ले जाए वाला तो कहलस मैं आपे से पूछ रहा हूँ बारात ठहरने का स्थान कहाँ है, जिन करे जा के कमजोर बना तीन तो ढोई के बेहोश हो गए, अब बरियर का भागल बड़े धनी है बउ रहू, आ जे जाता फेर आवत नहीं बा, खैराट के लोग से निवेदन करब हम, तो केहू अगर गलती से बोल दे कह दे तो शंकर भगवान को देख करके आपको जग में आना है, ये तो आपका गांव है, गांव में कौन है, गांव में चार जन चुनाव नहीं लड़ता है का जी, कौन है गांव में चार जन चुनाव ना लड़ता था, तो 20 को पार्टी रखिए, गांव में पार्टी बनाइए, गांव में सब जन चुनाव लड़ी, आपसी विवाद होखो अपने में झगड़ा होखो, लेकिन भगवान शंकर जी के दरबार से कभी विवाद ना करो आप, ये दरबार सबका है, भगवान शिव सर्वोपरि है, और शंकर जी के दरबार से हम लोग पार्टी पाल्टा करेंगे
तो सारा मामला खराब हो जाएगा। निवेदन करेंगे जे भागा ता फेर आवत ना बा। पार्वती के सौखी लोग कहल बड़ा बेले के पतई चढ़ौले बड़ी, एगो दवाई बता दी, तीन पत्ता के बेल पांच गो पत्ता ले आव, पांच गो खाली तेरस के दिन है ना, आ चंदन पीला वाला मंगा ले जोन बीरेंद्र लगौले बड़े, वो चंदन से लकड़ी से सीताराम सीताराम लिख पत्ता पर, पत्ता पर आ लिखवा के एक महीना दो महीना तीन महीना पांच महीना साल भर पत्ता चढ़ाव, एक लोटा जल जमन तोहरी आत्मा में सोच बा, अगर ये काम न हो खे मोबाइल नंबर मिला ले लेना और पूछना कि वीरेंद्र बाबा आप बोल कर गए हैं सब गलत बात हो रहा है, शंकर जी के ऊपर चढ़ा कर देखो ना आप, हमको जगाने वाले आप लोग नहीं है, जे ही जानत जे ही जेत जनाई आ जानत तुम ही होई। ए गांव में जे जे धनाट भइल बा रुपया वाला गांव के लोग जगवले बाकी शंकर जी कहो शंकर जी, अच्छा तो जे देले बा लेवे के नहीं जानता, तार कोठा हमारी धन दौलत जे देले बा लेवहू के जानता कि ना, गांव में किसी से ईर्ष्या कर लो दुश्मनी कर लो पार्टी बंदी कर लो लेकिन परमात्मा शंकर जी के दरबार में कभी दुश्मनी नहीं, ये भोलेनाथ सबके हैं कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, तन तोहन लो कोस का बोला तोहन लो का पल्ला पटको ताड़ू जा तोहन लो चपतू जा तोहन चला जगी में चल कर रहो काले सियाल बने बुझाता ने कह जो लोग बा हाय हाय कौन लोग हो जहिया ये जो 10,000 लोग पंडाल में बैठ जाई तैया जानब कि हाँ हमार बात कैच कर ले बनी, आप लोग निवेदन करब जितना लोग आइल बा अपना साथे भी है ना 10 जने के लेके आवे के बा, ये पंडाल आपका है और इतना बड़ा पंडाल गिराने के बाद पंडाल में कोई ना दिखाई दे, ये कमरा वालों से डांटते हैं कि इधर कमरा मत घुमाना, अभी यूट्यूब पर चढ़ जाएगा तो मेरी जितना मेरा व्यवस्था बना है सब फेल हो जाएगा, मोबाइल खोल करके देखना यूट्यूब पर को हजार संख्या बाबा की कथा में है, बोलो सच्चे दरबार की जय। पार्वती के सखी लोग कहल देखल जा कैसन बाड़े, अरे चल सखी देखी आई अरे गौरा के दुलावा झूमत आवे ना राजा है मन चल दुवरावा नारद जी गए कहले माता मैना हे आई पहले रुआ दमादे के देखा दी ए हे बरातिन में चिन्हा दी के का हो, मैना कहली नारद जी पहले बताई है अगवा जे आवता उ के हो, नारद जी कहले ई शंकर जी के द्वारपाल हवे जकरा चार गो मुड़िया बा, मैना कहली बाप रे बाप जब नौकर चाकर इतना बढ़िया माने तो दमाद तो हमार चौटक होइबे करी, दुआरे पर घेर ले बालो, एकरा बाद विष्णु भगवान आइले पूछली कि दुल्हा हम हई हई दमाद हम, नारद जी कहले इहो और दमाद नहीं हम इनही के पिछवा बाड़े आ इनही के पिछवा शंकर जी रहले बोल चलता आगे पड़े दुल्हा बड़े पीछे पड़े, नारद जी कहले चल तनी बर्तिहन से मिले हम और रउरा बारात आओ तब दमादे के पर्ची, बुझ गए नारद की नंबर है आ गल बायो, बियाह में पहले के कुटाला जे लबर सबर बतिया वाला ते
हमें केहू बागी नहीं लगा बजा के हुका जा के मर्दई नहीं कहल जाला, लगा बजा के फाइनल मैच कराओ, पिटाने वाला काम मत करो और किसी की हिम्मत न हो कोई अंगुली दिखा दे। देखिए जौने घर का मालिक मजबूत रहेगा, मालिक मतलब समझता ना, उस घर के परिवार के सारे सदस्य बढ़िया होंगे। या जग की समिति जो है ना, समिति तो बनी होगी ना, समिति कमिटी बनती है ना, 10 लोगों का एक यूनिटी बनता है। जग का मेन मकसद ये है, जब भी जग करें कितना जग में आया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा, पहले साल में बता रहा हूं इस बात को, समझ करके काम हो, सबके सामने ये पर्दा रख दिया जाता है कि इतना पैसा आयल बा, इतना बचल बा, इतना कमी होता। अगर कमी हो तो यही गाँव गाँव दे देगा, दे देगा महाराज, पैसा कम होगा तो कमेटी गांव के देंगे कि नहीं, लोगों दे देंगे, और बचेगा तो शंकर जी के नाम से जमा हो जाएगा। जबले रुरापा जियब, जबले जियब तबले जग टूटी ना, अगर सेपरेट सफाई से काम होगा तब। मैं निवेदन करूंगा कमेटी में जितने भी मेंबर हैं, छोटे पावर के हो बड़े पावर के हो, छोटा बड़ा इसमें कोई है नहीं, 10 रुपया अगर घटा था तो खैराट गांव के लोग दे देंगे, कमी होगा तो गांव देगा, और बच रहा है तो मेरे भोलेनाथ के नाम से जमा हो जाए। अच्छी बात है कि नहीं है? नहीं बात है। हम तो महाराज एक एक मंच पर 20 साल 25 साल 40 साल मुझे बोलते हो गया, हथियागढ़ जाकर पता करिएगा आप, 40 बरस जाके जिनका भी संबंध हो या पता करिएगा आप, 40वां साल मेरा इंसान रहा है, मेरा बचपना बीत रहा है, वहां कोई ऑल इंडिया के विद्वान आए ना आए, लेकिन वीरेंद्र का नाम जब आएगा तो गांव वाले चंदा देंगे, अगर नाम नहीं आएगा तो चंदा कोई देबे नहीं करेगा। सुंदर बना के जितना ही बढ़िया करोगे, आज तक जीवन में जितना लोग यहाँ कभी नहीं आए हैं उससे दूना आदमी यहां उतारने का क्षमता मैं रखता हूं, लेकिन सेपरेट काम होना चाहिए। ताली बजा बढ़िया रहे। हमने के जीवन में बहुत सारी कमी बा, हमारे अंदर भी कमी है, हमसे भी पाप होता है, गाड़ी लेकर चलते हैं तो चूंटी दबती है, कीड़ा दबता है, मेढक मरता है, लेकिन पाप को काटने के लिए एक रास्ता है, भगवान का नाम। और ये समिति में जितने लोग आए हैं, ये लाख लाख आशीर्वाद जो इन साल जग होने वाली नहीं थी, मेरे ख्याल से अकी होने वाली थी, हमारे तो बुझाता ये 8-10 दिन में सजी बाबा का प्रोग्राम लिखा लेबा, कहिया के एडवांस एडवांस हल्ला हो तो रही भी तो बन हो जाए, जग बन में कह दिया जाए तो बाकी चलावल जा। हम तो यह कह कि तनि करल हूँ 2-4 साल, तनि हमहू आई आ तनि हमहू जमाई का जानी जमीहे जा, फेल हो जाई, फेल हो जाई, हाँ घरवा में के धैल का चौरा उठा ले आई, नहीं जम जाई हो, जब से हो तरल हो तरह होके दे। हे गांव में केकरे दुआरे पर जाई तो ना कह दी कि बाबा एक बोरा चाउर ले जाए, पैसा हमारे घर तो दिया काहे ना दिया, लेकिन आचरण स्वभाव तो बढ़िया होना चाहिए ना। आज कथा जौन चलता केकरा केकरा अच्छा लगा तो तन हाथ उठाए, तन हाथवा उठा ले बाबू, ताली बजा बरिया रे, तो पछवा के उनाई उठावल है का, तन एक बेर और उठा ले बाथवा, ताली बजा बरिया रे। बिचवा में एक मिनट आज अब आरती उतारे गईली तो शंकर जी सबसे पीछे रहली, मैना कहली कि ए ए दामाद के हा दूल्हा हा, ते एगो बूढ़ी कल सुबह पछवा आवता ना सवरिया उनका दूसर बाना बोयले पर बाड़े, मैना कहली बाप रे बाप इतना गिरल लोग बा कि बोयले पर हमार दामाद पालकी ना रहल हो, हाथी घोड़ा पर ना पौले हो। बुढ़िया कल समय नहीं फिर मैं बाड़ू नियारवा आवे तो तब देखो, खाली हथिया घोड़ा जीव तरू। तब मैना आरती लेके जब खड़ा भली आ शंकर जी जब एक बेर घूमली तो बोले टप दे लोटा का पानी गिर गई, शंकर जी के गण लोग कहले लोटा का पानी रहा और सास फेंक दे ली आरती ना, अब छाक ना दी है, शंकर जी कहले फेकली ना ही है,
हमार सासु पढ़ल लिखल बाड़ी होशियार, हमार सासु ई सोचली ह जब हमारे दमादे के कपड़े में से पानी गर 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 गिरता तो एक लोटा पानी लेके का लबर लबर करी कहले लोग फरियाई जाता। फिर अगवा बढ़ली आरती बार के लेके जाता तो ले भक दे दियो भुता गए। शंकर जी के गण लोग कहले दिया बुता गई, शंकर जी कहले दिया नहीं बुतौली है, हमार सास ही सोच तड़ी जब हमारी दमाद के लीलारे पर चंद्रमा चमकता तो ये मुख दिया भुकुर भुकुर का बार के देखाई को लोग फैसले हो जाता। ब्रह्मा जी कहली तनी और आगे बढ़ी आरती उतरा गई पानी फेंका गए। आ जब शंकर जी अगवा बढ़े तो सपवा हे ही तरह हो तड़स काने में बिछी हेते हेते मैना कली रे कनवा में बिछी है दोनों कनवा में आई गटैया में सांप सांप हो आ कपड़ों में से लटकता। जब सपवन के देखली पांच छह गो दमादे के देही पर कली अरे बा आ आ टप दे तना कह के बेहोश होकर थरिया पटक गिर गई। बाबा लिखले की मैना सुबह आरती समारी आ गांव ही गीत सुमंगल नारी सारा गीत मांगर जो फेल हो गए। अब मैना जमीनी पर गिरली तब पांच मिनट बेहोश। अब बेहोश के बाद जब होश में आईली तो 1000 गाड़ी पहले नारद के दिहली। तुलसी बाबा लिखली कि नारद के हम काही बिगाड़ा भवन मोर चौपाई को पहले ठीक से आप समझ लें। मैना कली की नारद तोहरा अपना जीवनी में हमरा से कौन दुश्मनी रहल हमरा बेटी के तुलिया के इमदारी के साथ ब्याह कराओ तर भिखारी के साथ ब्याह हमरा बेटी के होई। नारद के हम काही बिगाड़ा अब बसल भवन मुरदीन उजारा नारद तू शादी ना कराओ तर हमरा बेटी के खोन के गारे तर बेटी के ले के उड़ब चाहे बूढ़ा भी इनसे शादी होई। अच्छा शंकर जी इतना सुंदर के उधरती पर बा शंकर जी सांवर है कि गोरहर बोला सावर राम जी सावर है कि गोरहर सावर कन्हैया जी सावर है कि गोरहर सावर विष्णु भगवान सावर है कि गोरहर सावरे में जौन भाव बात गोरहरे में मिली। भरत व्यास को गीत गौले रहले अरे जवन बात बा सावर को मेऊ गोर का करी जवन बात बासवर को मेऊ गोर का करी जवन कई दिहे अनार तू अजोर का करी जवन कई दिहे अनार तू अजोर का करी जवन कई दिहे अनार तू अजोर का करी जवन बात बासवर को मेऊ गोर का करी जवन बात बा शवर को में उगोर का करी सगरी गनवा नहीं गाय एक लाइन सावर आदमी निमन है कि गोरहर बोला ना हमें के गोरहर हो तरी सियाई मते दादा। सावर भगवान का रूप सांवर शंकर जी का रूप सांवर कन्हैया जी का रूप सांवर अरे महाराज सांवले में क्या नहीं है बोलो सच्चे दरबार की।
तीन गो कुकुर गए सो पता लगावे के देखल जा खैराट में जग होता कौने कौने भराटी के भोजन बनाता ते वही में एगो झबरा कुकुर रहे तकी त नया मसाला है बोले लो झबरा कुकुर गोल बा कहल दूनू के रे जाके पहले ते पता लगाओ कि कौन कौन चीज बनाता त जौन कमजोर रहे किकुरल किकुरल गोई आ भंडरिया अदहन धैले बा ए चैली बरले बा आ ज्यो गोल तवले ए दादा चैली उठा के जरते चैली मारा ता पहला कुकुर कहता काय 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 का करते भागल बा झबरा मोटका ताको तक देखी आवा ता पता लगौले बा कि ना झबरा कुकुर कॉलेज का रे कुछ भेटाइल ह खैराट में जग होता भेटाइल ह कलस मा मालिक पूछे के ना बा गोइले के देरी बा गोइले के देरी बा जरते जरत झबरा कॉलेज बुझाता घर में रसोई रहल ह खा के उ त जरले चैला से कुटाइल रहे चैलवा जरत रहे तो ओसे कहल त इते तन तेज बे पता लगाइबे त दूसर का तनी ओसे मोट रहे ई गोल छरकल त रसोई बनावले बा चाउर धोरे बा अदहन धिकता सरसरा के चूल्हा लग चल गल घर में पानी उठा के एक बहगुना भंडरिया फेंकते तबा काय काय झबरा जोन मोटका रहल ताकत आ देखी का भई ताल त पूछल का रे तो से कुछ मिलल ह कलस मालिक पूछे के नाई बा गोइले के देरी बा घर में गरम घर में पनिया फेंकाइल रहे झबरा कहले तनिक मान के पता लगावल नाई बा हमके जाय दसो आई मोटहन पिल्ला रहे बड़का मुंह वाला तड़ाक दे मर्दई कहले जा के भंडारा के ओई घर में ढुकिए गोय जा रसोईया बना के धइले रहे लो पांच गो भंडारी रहले सो फाटक बन को के कौनो पलटा से कौनो छनावटा से कौनो बेलहला से काय 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 एक घंटा कुटल सो अब दोनों ताकत न सो मालिक गोल बनी देखी यहाँ के का ले आवे नहीं पूछल से मालिक साहब रवरा के कुछ मिलल है कि ना कह रे तहनी के घर में जरूरत कहत रहल सो बड़ा व्यवहारिक बाड़ सो बड़ी व्यवहारिक बाड़ सो खैराट के जितना भंडारी बने बड़ा अच्छा बने कहले सो का भइल आ त कोनो कोनो परोठा कोनो पूड़ी कोनो पुलाव घेर घेर खियावला हसो दोनों बुझ गेले सो यो खूब कुटाइल बाड़ समझ में आयल कि ना शंकर जी का विवाह अगर कराएंगे तो तीन दिन लगता है लेकिन कथा मुझे साते दिन बोलना है अपने विषय को रखने का हम प्रयास करेंगे कि अच्छी से अच्छी कथा हो आप सभी लोग खड़े हो जाएं भगवान की आरती होने जा रही है।